का फैसला ये है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, लर्नड काउंसल्स फॉर द रिस्पोंडेंट्स हैव एंटर्ड अपीयरेंस, एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन हैज बीन फाइल्ड बाय तस्नीम अहमदी, लर्नड काउंसल सीकिंग टू इंटरवीन इन द मैटर ऑन बिहाफ ऑफ सर्टेन पीपल हु हैव कॉमनैलिटी ऑफ थॉट प्रोसेस विद द पर्संस हु आर प्रोटेस्टिंग एट द साइट. We have put to her that law has been enacted by Parliament and the law is facing constitutional challenge before this court, but that by itself will not take away the right to protest of persons who feel aggrieved by the legislation. However, the question is where and how protests can carry on without public ways being blocked. Our concern is more than this matter alone, as there may be persons of different points of view who may tomorrow seek to emulate this protest. Such scenario only leads to chaotic situation. This must cease on public ways everywhere. Learned Counsel submits that she will endeavor to talk to the intervener Wajahat Habibullah so that she can take up the issue with the persons at the site. Mr. Sanjay Hegde, Learned Senior Counsel, is present in court and we would like him to play a constructive role as an interlocutor to make the persons at site see reason. He, along with Ms. Sadhana Ramchandran, Learned Counsel or any other person of his choice may do so. तो साधना जी आपको हिंदी में बता देंगी सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल का ऑर्डर और फिर हम दोनों समझा देंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है. आप लोग कितने लोग समझ गए कि क्या है ऑर्डर? कितने लोग पूरी तरह से समझ गए? माइक चेंज कर लीजिए. ना माइक चेंज कर लीजिए. माइक संक्षिप्त में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा मसला है. सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों साइड, दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों तरफ की मौजूद हैं. एक इंटरवीनर हबीबुल्लाह साहब, जो कि कुछ या काफी आप लोगों के साथ सहमति जिनकी है, उन्होंने एक इंटरवीनर्स एप्लीकेशन तस्नीम अहमदी एडवोकेट के जरिए फाइल की. उसका ये मतलब है कि वो आप लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं उनके जरिए. समझ लें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही है. ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है, ये बरकरार है. और जो ये लॉ है सीएए, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपका आंदोलन का हक है ये छिन जाए. आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए. लेकिन हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके भी हक हैं, जैसे कि जो नागरिक ये रोड इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले रोड भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुकानदार हैं वो भी हमारी और आपकी तरह नागरिक हैं, तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना. डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना. लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना. बच्चे अपने स्कूल पहुंचे. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए. दूसरे का हक, और हम क्या चाहते हैं किसी और का हक नहीं बताए. तो सबके हक बरकरार होने चाहिए ना. सुप्रीम कोर्ट
रोड है, पार्क है, ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन है, स्टॉप है, बस स्टॉप है, जो उनका हक है वो भी बरकरार होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल बराबर का हक सबका होना चाहिए। तो मुझे तो हमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भेजा है आपको ये बताने के लिए, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है आपके साथ मिलके उसका हल निकालें। हल आपका हो, आंदोलन किसका है, तो हल किसका होना चाहिए। और क्या कोई यहाँ चाहता है कि किसी और का हक मारा जाए? नहीं। तो बस तो इसमें हम मिलके सब मिलके हम आप सबकी बात सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम शांति चाहते हैं। आप सबकी बात सुनेंगे, अच्छी बुरी सब बात, ठीक है? तो हमारा जो देश है, भारत देश जो है, हिंदुस्तान इसलिए है कि हम हर एक की बात की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, सुनते हैं, आवाज निकालते हैं, है कि नहीं है? है ना? तो आप चाहेंगे कि आप हमसे बात करें? अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को बोल देंगे वो नहीं चाहते। आप चाहते हो तो हम भी चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है? और हम मिलकर हल निकालेंगे, और हम ऐसा हल निकालेंगे, हम ऐसा हल निकालेंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे मेरा विश्वास है, हम ऐसा हल निकालेंगे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए। चले जाए तब तक हम बात करना नहीं चाहेंगे, हम आपसे मुस्कुराते रहेंगे।